बताइए सर, अभी तक के जैसे तीन बज चुके हैं अभी तक क्या रहा है पूरे मामले में? मामला वोटिंग पब्लिक तो बाहर बैठी है, कोई वोटिंग नहीं हुई है और प्रशासन वोटिंग कराने के लिए तैयार बैठा है। यहाँ पोलिंग पार्टी जो इनकी मांग है उसमें पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, अभी कोई उसका ज़्यादा सुराग नहीं छिपा है। डीसी साहब आए बताए अभी थोड़ी देर पहले, डीसी साहब आए थे, वो भी अपना प्रयास कर गए, उनको समझा के गए भाई अपनी आप वोटिंग करें, पुलिस अपना काम कर रही है। इनके अलावा और कौन कौन अधिकारी आए? एसपी साहब, डीसी साहब, बाकी और अधिकारी भी आए हैं। अभी तक कोई भी पोलिंग नहीं हुई है और यहाँ पर अभी किसी प्रकार की पोलिंग नहीं है, पोलिंग पार्टी पोलिंग कराने लिए तैयार बैठी है। यहाँ बूथ एक ही है, दो बूथ और दोनों बूथ के अंदर कोई पोलिंग नहीं है। इसके अंदर देवराली पंचायत जो है, मतलब गांव जो है, वो भी पब्लिक बाहर बैठी है, वो इंतजार में है, जैसे ही खातों डाले अपना शुरू करेंगे वो भी शुरू कर देंगे। अभी क्या प्रोग्रेस है जो पुलिस कार्रवाई है उसके अंदर? पुलिस अपना काम कर रही है, जल्दी प्रोग्रेस होगी। ठीक जी, क्या नाम आपका? मेरा कृष्ण कुमार नाम है, मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट उस पर खाताउद्रा में हैं, आज सुबह से यहीं पे हैं। बार बार कोशिश करी गई मतदाताओं से कि भाई आप आके वोट डाल लें, पर वो अपने एक सरपंच उनके जो है खड़े हुए हैं वो गायब हो रखे हैं आज, उसकी वजह से वो आने को तैयार नहीं है। प्रशासन ने कई बार आने के, डीसी साहब अलग आए थे, उन्होंने जाके उनको समझाने की कोशिश की भी ये एक लोकतंत्र आपका अधिकार है, इसको इस मैटर को और उस मैटर को अलग अलग रखो, वो प्रशासन काम कर रहा है उसके लिए, पर वो मानने को तैयार नहीं। उनका एक ही मांग है कि पहले हमें वो ला दो, फिर उसके बाद वोटिंग स्टार्ट करवाएं। अगर मान लो आज वोटिंग नहीं होती है तो आगे कभी इस तरह की वोटिंग का टाइम मिलेगा इन गांव वालों? दोबारा वोटिंग होगी नहीं होगी? जिला परिषद और उसमें तो मुझे लगता नहीं कि इनको दोबारा, क्योंकि जहाँ और जगह गाँव से वो है वो वहाँ से कैंडिडेट जीत जाएगा या हार जाएगा जो भी है, तो मुझे नहीं लगता कि आगे कोई प्रावधान इस तरह का है। अगर सरपंची के चुनाव में भी ये वोट नहीं डालते हैं तो उसमें क्या किया जाएगा? वो फिर कैंडिडेट ही नहीं चुना जाएगा तो उसको दोबारा फिर दोबारा डेट दी जाएगी, उसमें चुना जाएगा, उसमें डेट मिल जाएगी। ये शाम तक का क्या रहेगा? अगर जैसे शाम तक छः बजे तक अगर कोई कैंडिडेट आ जाता है उसको हम वोट डलवाएंगे, हम तैयार बैठे हैं, 6 बजे हम अपना बंद कर देंगे।